अगर आप बिगिनर हो या आप 30 टू 40 आर्टिकल पब्लिश कर चुके हो और तब भी आपकी वेबसाइट पे जीरो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और जिसके कारण आपकी अर्निंग भी अभी तक शुरू नहीं हुई, तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्री में कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च और SEO ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को फर्स्ट पेज पे रैंक करा सकते हैं, वो भी फ्री में। अगर आप बैक लिंक नहीं बनाना चाहते, ना प्रमोशन और एड्स करना चाहते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च और SEO ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आप इन दोनों चीजों की मदद से अपने पेज को रैंक करा सकते हैं बिना कोई बैक लिंक बनाए और एड्स या प्रमोशन कराए। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, पर SEO कैसे करना है, SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कीवर्ड रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर बिना कीवर्ड रिसर्च करें 100 या 200 भी आर्टिकल पोस्ट कर दोगे ना, तब भी आपकी वेबसाइट पे हल्का सा भी ट्रैफिक इंक्रीज नहीं होगा, हल्का सा भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज नहीं होगा। पर अगर आप कीवर्ड रिसर्च करके 40 या 30 भी आर्टिकल पोस्ट कर दोगे ना, तो आपकी वेबसाइट पे हर दिन का 1000, 3000, 4000 भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना। कीवर्ड रिसर्च पे इतनी पावर है, तो वो कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है आपने वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड को चूज कैसे करते हैं। जैसे आप गूगल या कोई भी सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हो, मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ सर्च करके। जैसे कि मैं बेस्ट स्मार्टफोन सर्च करता हूँ, तो ये जो वर्ड है इसको ही कीवर्ड कहते हैं, बेस्ट स्मार्टफोन जो हमने वर्ड सिलेक्ट करा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कीवर्ड वो वर्ड है जिसपे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं। कीवर्ड्स के तो वैसे कई टाइप्स हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, इन दोनों में से कौन से आपको सिलेक्ट करने चाहिए और ये दोनों कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो कीवर्ड है जिसपे बिगनर्स को कभी भी काम नहीं करना चाहिए, कभी भी काम नहीं करना चाहिए उस कीवर्ड पे, क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन इतना हाई होगा कि आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते उस पर। जैसे कि मैंने आज जो सर्च किया था बेस्ट स्मार्टफोन, तो ये जो वर्ड है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इस पर चैट ट्रैफिक आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, पर जो कंपटीशन होगा वो इतना हाई होगा कि आप रैंक नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बैक लिंक्स बना सकते हो, अपनी पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी को हाई कर सकते हो, आप शॉर्ट टेल कीवर्ड को फोकस कर सकते हो, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही फोकस करें, क्योंकि आप उस पर जल्द से जल्द रैंक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ लॉन्ग टेल कीवर्ड का एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये जो वर्ड है ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में 4 या उससे ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं, इसमें चाहे आपको ट्रैफिक लो मिलेगा पर कंपटीशन इसमें इतना कम होगा कि आप अपनी वेबसाइट को आसानी से रैंक करा सकते हैं। आपका वेबसाइट या ब्लॉग आर्टिकल 2 या 3 महीने में आराम से रैंक हो सकता है बिना कोई बैकलिंक बनाए, अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करोगे और अच्छे से रिसर्च करके SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखोगे, तो आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक हो सकती है। पर अगर आप वन शॉर्ट टेल कीवर्ड को फोकस करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस करके अगर आप बिगिनर हो तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करो। मैं फ्री कीवर्ड रिसर्च करने के लिए 2 टूल्स का यूज करूंगा, एक HRF और दूसरा ऊबर सजेस्ट। आप यही सोच रहे होगे कि ये जो दोनों टूल है ये फ्री नहीं है, ये पेड टूल है, पर हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ये हमें फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप HRF के कोई भी ब्लॉग को सर्च करें या उसके कोई भी पेज पर जाए, और बिल्कुल पेज के एंड पे चले जो और आपको वहां दिखेगा फ्री टूल्स, आपको फ्री टूल्स की लिस्ट दिखेगी, तो ये सारे जो टूल्स है ये HRF फ्री प्रोवाइड करता है, आप इसको बिना कोई गूगल अकाउंट से भी लॉगिन करे यूज कर सकते हो। इस लिस्ट में जितने भी टूल्स है वो HRF फ्री में प्रोवाइड करता है। वैसे इस वीडियो में हम सिर्फ HRF का कीवर्ड जनरेटर टूल का यूज करेंगे जो कि फ्री है, और इसके साथ हम ऊबर सजेस्ट का यूज करेंगे।
ऊबर सजेस्ट भी फ्री टूल है, पर आपको उसमें अलग अलग अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा, जीमेल अकाउंट से, क्योंकि एक जीमेल अकाउंट से आप 5 या 6 कीवर्ड्स को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलो मैं आपको बता दूं कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं इन दोनों टूल्स को यूज करके। आप इन दोनों टूल्स को यूज करके एचरफ का जो पेड टूल है आप उसको मार दे सकते हो। मतलब जितना आपका एचरफ टूल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने पेड टूल में, वो आप इन दोनों टूल्स की मदद से वो सारी इंफॉर्मेशन 80 या 90% तक ले सकते हो। तो आपको इन दोनों टूल्स को कैसे यूज करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। गूगल पे आप एचरफ का कीवर्ड जनरेटर टूल को ओपन करें। आप यहाँ से कोई भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप जिस कंट्री का डाटा देखना चाहते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। मैं इस वीडियो में इंडिया को ही सिलेक्ट करूंगा। आप ऐसे कोई भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कीवर्ड का भी एग्जांपल बेस्ट स्मार्टफोन ही लूंगा। आपने सिंपलीफाइंग कीवर्ड पे जाना है और वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पे कोई गूगल अकाउंट से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमें कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। इसमें जैसे मैंने शॉर्ट टेल कीवर्ड को सर्च करा था, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और इसने मेरे को लॉन्ग टेल कीवर्ड में भी डाटा दे दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है कि इस पे रैंक करना कितना मुश्किल होगा बिगनर को या नई वेबसाइट को, और ये वॉल्यूम दिखा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं 44,000 वॉल्यूम है पर मंथ का, और इसकी डिफिकल्टी 7 है। बहुत ईजी है वैसे ये, आपको डिफिकल्टी 100 के उससे बताता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिफिकल्टी का भी है और 2 डिफिकल्टी का भी है। ये 10 के बाद आपको डाटा नहीं शो करेगा। आप पर इसको यहाँ से कॉपी करके दूसरा डुप्लीकेट खोल के यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे और आपको कीवर्ड्स मिल गए 4.2K का, 1.2K वॉल्यूम का। आप यहाँ से कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके अपने नोटपैड पे लिख सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट न्यू है तो आप 10 से कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को यूज करें। अगर आप उससे ज्यादा ही को यूज करोगे तो उस पर बैकलिंक वगैरह बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। जितना आपको कम कीवर्ड डिफिकल्टी का कीवर्ड मिलता है आप उसे सिलेक्ट करें, आपका ही फायदा। आप उस पर जल्दी से जल्दी रैंक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं थोड़ी सी स्पीड में बताऊंगा, पर आप रिसर्च जो है बड़ी आराम से करें। आप अच्छे से कीवर्ड ढूंढे कम कंपटीशन का और हाई ट्रैफिक का। जैसे आप देख सकते हैं इस पे बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक है और आपके इसमें कंपटीशन भी बहुत लो है। एचआरएफ टूल में आपको सिर्फ यही देखना है, बाकी सब कुछ आपको ऊबर सजेस्ट पे देखना है। तो मैं ऊबर सजेस्ट को भी खोल लेता हूँ। आप यहाँ पे सिंपली कीवर्ड को पेस्ट कर दो, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, और यहाँ से आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें जहाँ का आप देखना चाहते हैं डाटा कि कितना आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी है, कितना वॉल्यूम है। मैं ऊबर सजेस्ट को इस करके यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप एचआरएफ की मदद से सिर्फ अगर आप फ्री टूल को यूज करोगे तो आप कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम को ही देख सकते हो, पर आप ऊबर सजेस्ट की मदद से उस पर वेबसाइट कौन सी रैंक कर रही है, टॉप 10 वेबसाइट जो है रैंक कर रही है, उन्होंने कितना बैकलिंक बनाया, कितनी डोमेन अथॉरिटी है, कितनी पेज अथॉरिटी है, अब ये सब कुछ चेक कर सकते हो ऊबर से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ये 49,000 वॉल्यूम दिखा रहा है और एसईओ डिफिकल्टी 49, पेड डिफिकल्टी 99। आप देख सकते हैं ये भी बता देता है कितने पीपल इस पे क्लिक करते हैं, कि पेड पे क्लिक करते हैं या एसईओ के आर्टिकल पे क्लिक करते हैं। सर्च एजिस भी बता देता है, इस पे ज्यादा सर्च जो है 35 to 44 एजिस वाले पीपल करते हैं। बाकी आप देख सकते हो ये भी कीवर्ड आपको सजेस्ट करता है दूसरे कीवर्ड। जैसे मैंने इसका डेटा देखना है कि कौन से जो वेबसाइट है उस पर रैंक कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसने वेबसाइट दिखा दी कि कौन कौन सी वेबसाइट टॉप पेजेस पे रैंक कर रही है, और इसने इसके विजिटर्स भी दिखा दिए जोन से इसके ये वाले कीवर्ड की मदद से विजिट करते हैं इसके वेबसाइट पे, और लिंक्स इसने बैक लिंक्स कितने बनाए हैं इस कीवर्ड पे, और डोमेन अथॉरिटी कितनी है इस पेज की, आप यहाँ से ये देख सकते हो। बाकी 5-6 कीवर्ड के बाद आपको दूसरी गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। एचआरएफ को मैंने इस करके यूज किया इस वीडियो में क्योंकि वो बेस्ट टूल है डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि एचआरएफ आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी या आपका कीवर्ड का वॉल्यूम जो है वो बहुत एक्यूरेट दिखाता है।
और ऊपर सजेस्ट की मदद से आप अपनी टॉप वेबसाइट जो रैंक कर रही है उस कीवर्ड पे वो देख सकते हैं और उसने कितने बैकलिंक्स बनाए वो सब कुछ देख सकते हैं। पर अगर आपके पास एचआरएफ का पेड वर्जन है तो अब ये सब कुछ आप सिर्फ एचआरएफ से ही देख सकते हैं, आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जैसे कि मैंने आपको फ्री में बताना था कि फ्री में आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, तो आप ये दोनों टूल्स की मदद से बहुत अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को जल्दी से जल्दी रैंक कर सकते हैं। आप एचआरएफ की मदद से कीवर्ड डिफिकल्टी और उसका वॉल्यूम चेक कर सकते हो और ऊपर से जस्ट की मदद से आप देख सकते हो कि वो वाले कीवर्ड पे कौन सी टॉप वेबसाइट रैंक कर रही है और उन्होंने कितने बैकलिंक बनाया और उनकी पेज अथॉरिटी कितनी है। इस करके आप अपने कॉम्पिटिटर पे भी नजर रख सकते हो। कीवर्ड रिसर्च में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि आप जोन सा भी कीवर्ड को चूज करें उसका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा लो हो, क्योंकि आप उसमें जल्दी से जल्दी रैंक कर सके। और आपको साथ में ये भी देखना है कि उस पर ट्रैफिक भी आता हो, 1,000, 2,000, 3,000 या उससे ज्यादा का ट्रैफिक हो, क्योंकि अगर आप कम का ट्रैफिक पे फोकस करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा रैंक करने। और एक और चीज का आपने ध्यान रखना है कि वो वाली कीवर्ड पे आपको कितनी सीपीसी मिलेगी। कई लोगों की यही दिक्कत होती है, उनका पेज रैंक तो करता है लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड पे, पर उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया होता कि उसपे सीपीसी कितनी मिलनी है, क्योंकि ज्यादातर लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड पे अगर आप ध्यान से रिसर्च नहीं करोगे तो आपको जीरो सीपीसी का ही कीवर्ड मिलेगा। तो अगर आप वो वाली कीवर्ड पे फोकस करोगे, अगर आपका रैंक भी हो गया, ट्रैफिक चाहे 10,000 भी आने लग पड़ा, तो आपकी अर्निंग उस पेज से जीरो होगी, क्योंकि आपको उस कीवर्ड पे कोई सीपीसी नहीं मिलेगी। सीपीसी माने कॉस्ट पर क्लिक। तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आपको चार चीजें का ध्यान रखना है, पहला कॉम्पिटिशन, दूसरा ट्रैफिक, तीसरा आपका सीपीसी और फोर्थ आपका बैकलिंक। अगर आप इन चारों चीजों को ध्यान रख के ब्लॉग आर्टिकल के टॉपिक को सिलेक्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक होगी। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप एसईओ फ्रेंडली पोस्ट नहीं लिखोगे तो कीवर्ड रिसर्च का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखना और कीवर्ड रिसर्च करना ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अगर आप एक चीज को निग्लेक्ट कर दोगे तो दूसरी चीज का कोई फायदा नहीं होगा। चलो यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। पर तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।